exciting new webinar as a part of the ATS platform webinar series. Today we have with us Rajan sir. Rajan sir is a recent member of KHIT and he will be guiding us today on how to mentor. आगे imitation, imitation क्या होता है? Imitation होता है नकल करना. Imitate मतलब imitate करना. इमिटेट करते हैं जैसे कि कोई अपने बुजुर्गों की इमिटेट कर देनी, कोई हीरो की इमिटेशन कर देनी, कोई टीचर की इमिटेशन कर देनी, ये भी एक नकल करने का भी एक वो एक स्किल है. हर कोई नकल नहीं कर सकता, कोई आवाज नहीं निकाल सकता किसी की आवाज. एक बंदा 10-10 15-15 आवाज निकाल लेता है, उसमें अलग स्किल होता है. तो इमिटेशन एक स्किल है. क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग होता है बेटा मतलब किसी के बारे में गहराई से लॉजिकल सोचना. क्रिटिकल यानी कि दिमाग का इस्तेमाल करना, बातें ना समझना. क्रिटिकल यानी कि क्रिटिसाइज करना, क्रिटिकल उसके क्यों है, ऐसा है तो क्यों है, उसको इंग्लिश आ रही थी क्यों आ रही है, क्योंकि उसने मैथ करी होगी, उसको मैथ स्ट्रॉन्ग मैथ क्यों आएगा, क्योंकि उसने इंटरेस्ट लिया होगा उसमें, तब उसको मैथ लग गया होगा. उसको क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि दिमाग में आप इसमें दिमाग प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं. क्रिटिकल थिंकिंग मतलब प्रॉब्लम सोल्विंग. अगर ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व करें तो क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती चली जाएगी. कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन में चाहे आप ग्राउंड में खेल रहे हो, सभी बच्चे इकट्ठा मिलकर खेलते हो, वो कोलैबोरेशन है. कोई बड़ा काम चला रहा है, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर मान लो स्कूल जा रहा है तो एक बंदा तो नहीं चला सकता है ना. आपके कोई भी अगर कोई पूरा स्टेट है, स्टेट की पूरी गवर्नमेंट है, वो अकेला नहीं चला सकता कोई इंसान. तो कोलैबोरेशन होता है. आप ज्यादा ज्यादा लोगों से अब कह सकते हैं, आप उनसे ज्यादा फ्रेंडली होना चाहिए, आप उनके आइडियाज को लो धीरे धीरे हमारे दो. कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन वो होता है इकट्ठा इकट्ठा लेके चलना, सारे के विचारों को तवज्जो देना, इज्जत देना, कम्युनिकेशन करना, आपस में बात करना. एक नीचे था आइडिएशन, आइडिएशन आइडिया मतलब आइडिएशन, आइडिया लेके आना, मतलब कोई भी चीज का कुछ बनाना, कुछ का कुछ बनाना, है ना. इसके बाद नीचे है, नीचे कुछ था मल्टीपल इंटेलिजेंस. ये था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, आप देखोगे एक बच्चा खेलने में भी अच्छा है, डांस में भी अच्छा है, सिंगिंग में भी अच्छा है, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है. बात करने में भी अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है, कई चीजों में अच्छा है, उसको मल्टीपल इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं. कोई भी काम दे दो वो उसको एकदम अच्छे से कर देगा, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस है. एक होता है कि वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता है. तो मल्टीपल इंटेलिजेंस भी एक स्किल है, हर एक के बस की भी बात नहीं है, बात है ना समझ में. तो ये इतने सारे स्किल्स है, ये आप डेवलप कर सकते, ये आपके अंदर होनी होनी चाहिए. ये होंगे तभी तो आइडिया आएंगे. अब आप सोच सकते हो, ढंग से बात कर सकते हो, लोगों से मिलोगे, लोगों की प्रॉब्लम्स लोगे और अपने आइडिया कम्युनिकेशन करोगे, क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, प्रॉब्लम है तो उसके जड़ तक जाओगे, क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस को काम करोगे. ये स्किल्स है, ये डेवलप कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा हो नहीं रहते ये सारी आपके पास. मैं कह रहा हूँ आपने हमेशा कोई भी क्लास लगा तो कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, साथ साथ नोट करते जाओ चीजों को, यहाँ से बात निकलोगे आप सब साफ हो जाएगा. किसी एक ने सोचा हुआ चलो आज तो क्लास लग रही है, चलो कॉपी पेन लेके चलते हैं, नहीं क्या क्या कर रहे हैं बताओ. याद तो रहने वाला नहीं है, वहां पे जाकर बैठोगे सब साफ हो जाएगा. खिलौना था, अब एक खिलौना आता है जैसे पजल आता है, उसको तोड़ दिया, अब सीखो उसको कंबाइन करना, सीखो जोड़ना, सीखो लर्न हाउ टू कंबाइन, यानी कि दोस्त को जोड़िए. आप कोई भी चीज नई कभी से आपकी जब आती है, जब कोई चीजों को जोड़ दिया जाता है, जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप देखोगे टॉर्च भी है, मोबाइल के अंदर स्पीकर भी है, मोबाइल के अंदर स्क्रीन भी है, मोबाइल के अंदर कई चीजें हैं, ब्लूटूथ भी है, वाईफाई भी है, नेट भी है, उसके अंदर फोन भी आता है, और फोन आता है उसके अंदर क्या है बैटरी भी अपने को चाहिए, कई चीजों को कनेक्ट कर दिया तब जाकर के मोबाइल फोन बनता है. ऐसे एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर लाइट भी देखोगे, इंजन भी देखोगे, गाड़ी की बॉडी भी देखोगे, टायर भी देखोगे, कई चीजें मिल करके एक कोई भी नई चीज बनती है. ये प्रोजेक्टर भी कई चीजों से मिलकर कंबाइन हुआ है, प्लास्टिक भी लगा है, मेटल भी लगी है. तो ऐसे है लर्न हाउ टू कंबाइन, चीजों को जोड़े कैसे, जैसे सब्जी बनाते हैं ना घर पे, टमाटर डाल दिया, आलू डाल दिया, गाजर डाल दी, तो सब्जी बन जाती है. तो सब्जी के अंदर मिर्च डाल दिया, नमक डाल दिया, तो कई चीजों कंबाइन हो गई तब जाकर के सब्जी तैयार होती है. ये भी एक आइडिया है, चीजों को जोड़ना सीखिए. चाहे छोटा सा खिलौना है, खिलौना जैसे तोड़ना और वापस जोड़ना, तोड़ना और जोड़ना, और कई नई नई चीजों को जोड़ना, तब जाकर के आइडिया आता है. बातें ना सुनिए, $8,200 में टोटल 4 एकड़ जमीन इकट्ठी खरीद ली, और फिर उसको क्या किया, टोटल 10 पार्ट में बांट दिया. यानी कि ऐसे मान लो आप, यानी 10 पार्ट में उसको टुकड़ों में बांट दिया, और फिर उन दोस्तों को फोन किया कि भाई तुम कह रहे छोटी चीजों की वैल्यू है, तो ऐसे ऐसे मेरे पास 5-10 पार्ट पड़े हैं छोटे छोटे, एक की 3,000 रुपए कीमत है. एक हफ्ते के अंदर अंदर वो 10 के 10 बिक गए, एक की 3,000 कीमत थी, यानी कि उसने कितने 30,000 कमा लिए 8,200 से, टुकड़ों में बांट दिया, 8,200 रुपए डॉलर लगाए, है ना, डॉलर लगाए, उसको पार्ट में बांट दिया, कितने पार्ट में आ गए 10 पार्ट, एक के लिए 30,000 उसने रेट रख दिया, और वो एक हफ्ते के अंदर अंदर बिक गए सारे. टोटल प्रॉफिट कमाया उसने, इसमें प्रॉफिट कमा लिया, वो कमा लिया $19,200 का. तो आप समझोगे, देखो उसने टोटल खर्च कितना किया था, तो एक हफ्ते के अंदर ही उसका आइडिया आया, उसने अप्लाई किया और पैसे कमा लिए, और ट्रिपल यानी कैसे मान लो 2 से 2.5 गुना उतने पैसे उसने कमा लिए. तो आइडिया ऐसे मिलेगा, आप जहां पे जिन लोगों के साथ उठो बैठोगे,
आप परिवार में रहते हो वहीं से आइडिया मिलेगा, वो जिस चीज से तंग आ गए आप वहीं से आइडिया निकाल लो। अब जैसे मान लो कोई दूध की पर्ची आप घर घर पे लेके आते हो, वापस दूध डेल पर लेके आते हो, वो पर्ची गुम हो जाती है, इसको साफ भी कर सकते हैं, ये भी एक आइडिया दे रहा हूँ, एक ऐसे बॉक्स बना दो, बात है ना समझ में। अब कोई भी चीज हो बस ऐसे ही वहीं से आइडिया आपको मिलेगा और आइडिया को नोट कर लेना, नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई प्रॉब्लम है पहले प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वो आपको आइडिया ज्यादा देंगे, जो फेलियर होता है ना वो सबसे बड़ा टीचर होता है, प्रॉब्लम जो भी है वो आपका सबसे बड़ा, आप ऐसे लोग वहीं से आपको आइडिया मिलेगा। इसका मतलब यही था कोई चीजों को छोटा कर दो तो उसके रेट बढ़ जाएंगे, या हो सकता है वो चीज बड़ी करने पे रेट बढ़ जाओ तो आप उसको कंबाइन करके उसको बढ़ा देंगे।